हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। पीटीसी क्रू असेंबली सीरीज में हमने असेंबली से जुड़े सारे कॉन्स्टेंट के बारे में सीख लिया है और सारे कनेक्शन के बारे में सीख लिया है। आज हम एक फाइनल असेंबली बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें वाकई में जो कॉन्स्टेंट सीखे हैं उनका यूज करना आया है कि नहीं। तो सबसे पहले आप किसी भी असेंबली को बनाने से पहले क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, ठीक है। असेंबली नाम की एक न्यू फाइल बनाएंगे। इस न्यू फाइल बनाने के बाद ये जो हथौड़ी जैसा बना है ना, इसमें आने के बाद ट्री फिल्टर्स में जाएंगे और फीचर्स जो ये ऑप्शन है इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। जब हम फीचर्स को चेक कर लेंगे तो हमारे पास ये प्लेन्स, एक्सिस और ये इंसर्ट हेयर, ये इतनी चीज़ें दिखने लगेंगी। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे तो कुछ एडिशनल ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। इन ऑप्शन से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पार्ट में किस सीक्वेंस से असेंबली को कंप्लीट किया ये जान सकते हैं। जैसे कि ये जो इंसर्ट हेयर लिखा है, अगर इसको पकड़ के ऊपर ले जाएंगे ना, एकदम जो पहला पार्ट है, देखिए एकदम ऊपर ले जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, यानी अभी तक हमने कोई पार्ट नहीं लगाया था। उसके बाद इसको एक पार्ट के नीचे लाइए ना, तो हमें पता चलेगा हमने सबसे पहले ANVIL नामक पार्ट को इंसर्ट कराया है। इस पार्ट को इंसर्ट करा लिया है, इसके बाद हमने इस पे कौन कौन सा कॉन्स्टेंट लगाया है हम उसको एडिट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेसमेंट में आते हैं तो इसे डिफ़ॉल्ट किया गया है। आपको पता है जो सबसे बेस ऑब्जेक्ट होता है उसे डिफ़ॉल्ट करते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट किया गया है। फिर इसको नेक्स्ट नीचे आते हैं, फिर इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट किया है, अनविल प्लास्टिक, जो इस बेस में जो प्लास्टिक लगी है ना इसको इंसर्ट कराया। अब देखिए इस प्लास्टिक में हमने कौन कौन से कॉन्स्टेंट लगाए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दो ये लगाया है, हमने लगा लिया है तो नेक ओरिजिनल फ़ोटो खींची गई इमेज है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी और इमेज दिखाना चाहता हूँ जो कि हमने कंप्लीट किया है रेंडर करके, ठीक है। ये देखिए, ये एक रेंडर किया गया ऑब्जेक्ट है, उसी पंच को हमने यहाँ पे रेंडर किया गया है। और रेंडर करने के बाद देखिए इसका लुक कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और हमने इसकी जो प्लास्टिक ये है ना, इसको इसका मटेरियल थोड़ा सा चेंज रखा है, तो देखिए ये और कूल इफेक्ट डाल रहा है हमारे पंच में ना, और प्यारा लग रहा है देखने में। तो इसे रेंडरिंग करना कहलाते हैं, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है क्रू में, ये देखिए बहुत ही भद्दा सा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको रेंडर कर देते हैं तो वही ऑब्जेक्ट कितना ब्यूटीफुल नज़र आने लगता है। तो अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर करना, यानी एकदम हूबहू जैसा प्रोडक्ट कंपनी से बन के निकलेगा उस प्रकार का बनाना, वैसा मटेरियल्स लगाना, टेक्सचर लगाना और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचना, वो रेंडर कहलाता है। तो आई होप आपको रेंडर पता चल गया होगा। तो फाइनल पार्ट होता है रेंडर करना। तो अब शुरू करते हैं हम अपना असेंबली, ठीक है। असेंबली में सबसे पहले हम अपना बेस पार्ट लेते हैं, ठीक है। अपने ओपन पार्ट को ओपन करिए। हमने पार्ट को ओपन करने के लिए बता रखा है कि जहाँ पर भी आपका पार्ट सेव हो उस लोकेशन में जाके उसका ऐसे करके उसका जो यू पता है उसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आके उसके पता को कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा तो वो फोल्डर खुल जाएगा और वहाँ से उसे ले लीजिए। तो हम सबसे पहले कौन सा पार्ट इंपोर्ट कराते हैं, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा हमारा पार्ट है स्टेपलर, कंगारू वाला स्टेपलर, ठीक है। तो अनविल नामक पार्ट है तो इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करते हैं हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यूज करके ओके कर देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। नेक्स्ट है जो अनविल की प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को इम्पोर्ट कराते हैं। अब देखिए प्लास्टिक को हमने देखा था तीन प्रकार के कनेक्शन लगे थे, तो अभी इन्हें कैसे लगाते हैं समझिएगा। अब अपना दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले ये जो प्लास्टिक का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इस पे आके टच करेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा इस पे टच करेगा, तो जब दो इससे टच करते हैं तो आपको पता है कौन सा कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, कोइंसिडेंट। इस हिस्से को इस हिस्से को क्या करना है, कोइंसिडेंट। अब जब कोइंसिडेंट ये दूसरे साइड से करता है तो हम यहाँ पे आके इसको फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही फ्लिप किया है, देखिए ठीक हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसमें छोटा सा होल बना हुआ है और हमारे पार्ट में भी एक होल है, तो इन दोनों होल के जो एक्सिस है उसको कोइंसिडेंट कर देते हैं। ये देखिए जब ये एक्सिस को कोइंसिडेंट कर दिए तो ये देखिए सही जगह पहुंच गया है अपने, ठीक है। अब तीसरा काम करना है,
इसको फ्रंट व्यू से चल के देखते हैं। फ्रंट, ये फ्रंट है तो इसका लेफ्ट व्यू, ये लेफ्ट व्यू। अब देखिए ये जो हमारा पार्ट है इसे थोड़ा सा इस साइड को है ना, तो हम इसके इस फेस को कोइंसिडेंट हो गया न्यू कांस्टेंट लेते हैं। न्यू कांस्टेंट में इसके इस फेस को और इस फेस को मैच कराते हैं, ठीक है। ओके हो गया, इसे क्लोज कर दीजिए। अब ये पार्ट आपका कॉन्स्टेंट हो गया फुल्ली, दोनों पार्ट कॉन्स्टेंट हो गए। अब देखिए तीसरा पार्ट हमें लेना है। तीसरा पार्ट कौन सा था? जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना वो पार्ट हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। करियर, हम इसका करियर इंपोर्ट करते हैं। तो फिर से असेंबली में आते हैं, करियर पार्ट को इंपोर्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब देखिए करियर को इंपोर्ट करने के बाद आपको करियर लगाना है इस हिसाब से। इसको लेके आइए ऐसे, थोड़ा सा ऊपर करिए और इसे थोड़ा सा और खिसकाइए, कुछ इस हिसाब से लगेगा हमारे पार्ट में, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट हम लेके आते हैं उसमें अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख जाता है, कोई होल दिख जाता है, तो सबसे पहले उसके होल को मिलाते हैं, क्योंकि उस होल में एक एक्सिस होती है और उसी एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट होता है। तो इस एक्सिस को मैच करा दीजिए। देखिए एक्सिस मैच होने के बाद ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो कोई बात नहीं। ये उसके एक्सिस में प्रॉब्लम है क्या? चेक करते हैं चल के। ये देखिए टेंजेंट कॉन्स्टेंट लगा है, तो इसे टेंजेंट से बदल के इसको डिलीट करिए एक बार। हम यहाँ से लेते हैं कोइंसिडेंट, गलत लग गया था, टेंजेंट नहीं लगाना हमको, का एक्सिस मैच करानी है। फिर ये टेंजेंट हो गया, क्या प्रॉब्लम है? एक्सिस को एक्सिस से मैच करा दीजिए, ऑटोमेटिक रहने दीजिए। अब एक्सिस सेलेक्ट करिए, इस एक्सिस के साथ ऐसे मैच करा दीजिए। अब हमारा पार्ट एकदम सही से वर्क करेगा, ये देखिए अब एकदम सही है। तो देखिए कई बार आपको ये बनाते समय प्रॉब्लम्स आएंगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको सॉल्व करना सीखेंगे आप, तभी फाइनली आपको असेंबली करना आ पाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ से आ गए। अब अभी तो ये फुली कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि इस एक्सिस में ऐसे ऐसे जा सकता है, तो हमें इसको ऐसे ऐसा करना है कि ये यहीं पे आके फिक्स हो जाए। तो इसका टॉप व्यू में चलते हैं, टॉप व्यू यानी ये इन दोनों फेस के थोड़ा सा सेंटर में रहेगा, सेंटर में रहेगा, तो इसको बीचों बीच करना है। अब देखिए इसका प्लेन ऑन करते हैं। अगर इस पार्ट के बीच में अगर कोई प्लेन है हमारे पास, और इसकी 3D विंडो भी ऑन कर लेते हैं, तो 3D विंडो में देखते हैं क्या इसके बीचों बीच एक प्लेन है हमारे पास। देखिए ये वाला जो प्लेन है और इसका जो बीचों बीच प्लेन है हमारे पार्ट का, उसके प्लेन में अगर इसको मैच कराते हैं तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक न्यू कॉन्स्टेंट बनाते हैं और यहाँ से देखिए एक्सिस सेलेक्ट होने की वजह से फेस को नहीं सिलेक्ट कर रहा, तो हम यहाँ से आल कर देंगे। आल करने के बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर वाला प्लेन है, इसके सेंटर वाले प्लेन को इस सेंटर वाले प्लेन से मैच करा दीजिए, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर सेंटर प्लेन ना हो आपके पास तो क्या करना है, तो एक काम करना है आपको इन दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। माना कि इसके बीच की डिस्टेंस 20 है और इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो फेस है इनके बीच की डिस्टेंस 16 है सपोज दैट, तो दोनों तरफ गैप बचा 4 mm का गैप बचा, यानी एक तरफ 2 mm का गैप बचा, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस वाला कोइंसिडेंट लगाएंगे और 2 mm का डिस्टेंस रखेंगे। अब इसे ओके कर देते हैं, हमने इतने काम कर लिए। अब अगर आप ड्रैग करेंगे ना, तो ये देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट आपका ड्रैग हो गया। अब देखिए ये ड्रैग नहीं हो रहा,
चलिए फिर से क्या प्रॉब्लम हुई है जो रोटेट नहीं हो रहा कैंसिल, इसे एडिट में चलते हैं। अब देखिए हमने इसकी जो एक्सिस मैच कराई है वो कोइंसिडेंट लगा के मैच कराई है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोइंसिडेंट में पार्ट रोटेट नहीं करता ना, तो ये हमने गलती की है। अब यहाँ से कोइंसिडेंट डिलीट करके यहाँ पे एक होता है हमारे पास पिन वाला होता है ना, सब कुछ डिलीट करिए, यहाँ से हमें लेना है पिन। पिन करेंगे तो दोनों पार्ट में रोटेशन रहेगा, ठीक है। एक्सिस अलाइनमेंट, ये एक्सिस अलाइनमेंट हो गया। अब बोल रहा है ट्रांसलेशन, तो अब यहाँ से फेस हम इसका मैच कराएंगे, इस फेस को अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर फेस के साथ कोइंसिडेंट कर देंगे। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो पार्ट है ये रोटेट होगा। ये देखिए ये पार्ट अब हमारा यहाँ पे मूव कर सकता है, यानी अब हमारा असेंबली ठीक से लगा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हैंडल, अब हमें हैंडल को यहाँ पे इंसर्ट कराना है। हैंडल को लेके आते हैं, ओपन किया। अब देखिए हैंडल में भी वही, हमें सबसे पहले पिन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस है और एक्सिस के दोनों तरफ ही ये रोटेट होगा, तो सबसे पहले इनकी एक्सिस मैच कराते हैं। एक्सिस मैच कराने के बाद प्लेसमेंट में आते हैं, इसे ट्रांसलेशन है तो फिर से वही काम करना है, इसकी छोटी वाली विंडो खोल के इसमें से इसका जो सेंटर वाला प्लेन है इसको और यहाँ पे सेंटर प्लेन के साथ मैच करा दें। ये सेंटर प्लेन के साथ मैच करा दीजिए और ओके कर दीजिए। अब अगर आप ड्रैग में आएंगे तो देखेंगे कि इस कंपोनेंट को भी आप ड्रैग कर सकते हैं और हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों प्लेन आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये इसलिए हुआ है। चलिए चेक करते हैं ये क्यों हुआ है। देखिए अगर मैं आपको ये पूरी असेंबली सॉफ्टवेयर ओपन करूं, एक एक पार्ट को लूं और अपने हिसाब से जल्दी जल्दी लगा दूं, तो वीडियो तो शॉर्ट बन जाएगा और आपको देख के अच्छा लगेगा कि हाँ हमने असेंबली करना सीख लिया है। लेकिन एक चीज़ जानते हैं, आपने असेंबली करना नहीं सीखा है, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया होता, कठिनाइयाँ नहीं देखी होती, उसे ये नहीं मालूम होता कि आगे कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो अब देखिए इस पार्ट में हमने ये काम किया, तो अब हमारे पास एक नई चुनौती आ गई है कि इस पार्ट के साथ ये वाला पार्ट क्यों मूव हो रहा है आखिर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, यही सब सीखते हुए चलना है, भले ही वीडियो बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान के साथ देखिए और पूरा सीखिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसका ट्रांसलेशन चेक करते हैं। जो इसमें हमने ये वाला फेस दिया था ना, सपोज दैट ये हमने इस पार्ट का ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लिया था, इसीलिए इन दोनों आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसको रिमूव करते हैं और इसकी जगह हम इन दोनों फेस को रिमूव करते हैं। एक्सिस में आते हैं, हमने सबसे पहले किसका किसका एक्सिस दिया है, ठीक है, सब कुछ रिमूव करके हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे यूजर डिफाइंड छोड़ के ओके करते हैं और ये जो सेकंड पार्ट है ना हमारा, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं हम, ताकि इसके प्लेन वगैरह हाइड हो जाए। अब फिर से एडिट मोड में आते हैं, अब यहाँ से हम पिन कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो सबसे पहले इसके पिन को देखिए, दो पिन वहीं आप पास पास हैं तो एक ही जगह पिन ले लिया, ठीक है, समझ गए आप। अब जो इसका सेंटर प्लेन है इस सेंटर प्लेन से मैच करा दीजिए, क्योंकि ये जो बेस प्लेन है ये तो एकदम फिक्स्ड है, ये मूव नहीं हो रहा, तो अब ये प्लेन ये वाला ऑब्जेक्ट स्वयं ही मूव होगा और इसको अनहाइट कर दीजिए। देखिए अब वो वाली प्रॉब्लम रिमूव हो गई, ठीक है, अब परफेक्ट वर्क कर रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए क्लोज करते थे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हैंडल की प्लास्टिक ऐड करना है। हैंडल की प्लास्टिक, हैंडल प्लास्टिक,
ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ऐसा इतना जूम है और हम विंडो में इसको देख पा रहे हैं, बाकी पार्ट हमारी मेन स्क्रीन में कहाँ गया हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये 3D जो छोटी वाली विंडो है ना, इसका फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले इसका जो ये वाला फेस है ना और ये वाला फेस है, इन दोनों को कोइंसिडेंट कर दीजिए। जैसे कोइंसिडेंट करेंगे तो ये दोनों फेस आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे और चिपक जाएंगे। अब इसका जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से मैच कराइए। जैसे ही मैच कराएंगे ना, वो आपस में आके लग जाएंगे और ऑटोमेटिक कोइंसिडेंट हो जाएंगे। अगर ना कोइंसिडेंट हो तो यहाँ से इसको फिर से डिलीट करके या कोइंसिडेंट सेलेक्ट करके करिएगा। जैसे कि पिछली बार हो जा रहा था, ऑटोमेटिक टेंजेंट लग जा रहा था। अब इसके बाद इस पार्ट का जो सेंटर प्लेन है ना, इस सेंटर प्लेन को, अब देखिए यहाँ से कोइंसिडेंट सेलेक्ट है इसलिए नहीं आगे ले रहा, न्यू कॉन्स्टेंट में क्लिक करिए। इसके सेंटर प्लेन को हम चाहते हैं ये जो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर प्लेन है इसके साथ लग जाए। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर प्लेन के साथ लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जब हम इस पार्ट को मूव करेंगे तो उसके साथ ही ये चलेगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना कि इसको रोक के रखना है, नहीं, हमें इस प्लेन के साथ इसको मूव कराना है, ठीक है। तो अब इसके साथ लगा दिया, फुल्ली कॉन्स्टेंट हो गया और उसका कलर भी येलो हो जाता है, तो मतलब वो कॉन्स्टेंट है। अब देखिए, इसको मूव कराते हैं तो हमारे पार्ट के साथ वो भी मूव कर रहा है, यानी हमने सही से इसका असेंबली किया है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा हैंडल प्लास्टिक तक हो गया। हैंडल प्लास्टिक के बाद आता है ये, देखिए हैंडल पुशर, ठीक है। हैंडल पुशर को लाते हैं अब, हैंडल पुशर, ये है हैंडल पुशर, ओपन करते हैं इसको। अब देखिए, हमें अपनी असेंबली के जो व्यू है इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी छोटी वाली स्क्रीन से इसको मैनेज कर सकते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले हैंडल पुशर किस हिसाब से लगा है आपको 3D वाली ओरिजिनल वाली स्क्रीन में दिखाते हैं चल के। यहाँ पे आके दिखाते हैं वो लगा कैसे है। इसके फ्लेंस को हम हाइड कर देते हैं। देखिए, जो हमारा हैंडल पुशर है ये लगा हुआ है, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। और रेंडर अपियरेंस ग्रीन सेलेक्ट करके ओके, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख लीजिए अच्छे से, इसका ये वाला फेस थोड़ा इधर निकला हुआ है और फाइनल वो उस साइड को गया है नीचे। इसके पार्ट को और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये देखिए। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लगा कैसे, ठीक है। अगर आपके पास स्टेपलर मशीन है तो उसमें देख के आप समझ सकते हैं कि ये कैसे लगा हुआ है। अब इसे क्लोज करिए और अपने नेक्स्ट पार्ट को ओपन करते हैं, इसे एडिट करते हैं चल के। छोटी वाली विंडो, ये पार्ट हमारा कुछ ऐसे लगेगा इसमें। तो इसका जो ये फेस है ना, डेफिनेटली वो वाला फेस इस फेस से मैच करेगा जाके। उसको ऐसे मैच करा दिए, को इंसिडेंट होना चाहिए यानी चिपक जाना चाहिए, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको उल्टा करके यहाँ पे एक छोटा सा होल बना हुआ है, ठीक है। और इस होल में जो ये होल है ये भी मैच करेगा, तो इसको लीजिए और यहाँ पे ऐसे जूम करके इसी होल में से इसको ऐसे लगा दीजिए। और क्या करिए, कोइंसिडेंट हो गया, वेरी गुड। एक प्रॉब्लम है, अब देखिए उल्टा चला गया, ये ऊपर को लग गया, तो फ्लिप का ऑप्शन इसमें नहीं, कोइंसिडेंट में इसको फ्लिप करना पड़ेगा। ये देखिए फ्लिप हो गया, नीचे को आ गया। लेकिन अब ये देखिए घूमा हुआ है, तो इसका आप सेंटर वाला जो प्लेन है, सेंट्रल प्लेन बहुत हेल्प करेगा हमारी। तो इसीलिए जब आप पार्ट मॉडलिंग करेंगे तो जो तीन प्लेन होते हैं ना, ऐसे इस हिसाब से पार्ट को डिज़ाइन करिएगा कि उस सेंटर प्लेन के दोनों तरफ वो पार्ट बने, तो सेंटर मैच कराने में बहुत आसानी रहेगी। अब देखिए, हम इसका इस प्लेन को अपने जो हमारा पार्ट है इसका ये वाला प्लेन से मैच करा दें तो एकदम सेंटर में हो जाएगा वो। अब देखिए, फिर से ये फ्लिप हो गया इस साइड, तो फिर से इसको फ्लिप करिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओह कोइंसिडेंट में हमने फिर से कर दिया, यानी गड़बड़ी कर दी हमने। एक बार अंडू करते हैं इसको। सबसे पहला, अब देखिए हमें अब पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो कोइंसिडेंट है कौन सा कोइंसिडेंट है। तो ये कोइंसिडेंट इस प्लेन और इनके बीच हो गया, यानी इसमें तो गड़बड़ चल रहा है सब कुछ, धोखे से गड़बड़ कर दिया मैंने। ये वाला सही लगा है, नेक्स्ट वाला गड़बड़ हुआ है।
यानी इसका होल इस होल से मैच कराना था। तो ये कोइंसिडेंट सही है, ये वाला एकदम परफेक्ट है। ये ग्रीन सरफेस नीचे वाली के साथ मिली है और सेकंड वाले में ये होल इस होल के साथ हुआ है, हैंडल सरफेस, ये हैंडल सरफेस और ये आपस में मैच कर गई। अब थर्ड न्यू कॉन्स्टेंट लेते हैं। न्यू कॉन्स्टेंट लेने के साथ अब हम इसका जो ये वाला फेस है इसके सेंटर फेस के साथ मैच करा देते हैं। कॉन्स्टेंट इनवैलिड, अब देखिए इसमें कुछ इनवैलिड दिखा रहा है, यानी कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम सारे कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिलीट करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है हमारे साथ। तो फिर से हम मैच कराते हैं, इसका ये वाला सरफेस इस सरफेस के साथ मैच करेगा और नॉर्मल की जगह कोइंसिडेंट लेंगे। तो ये देखिए आपस में कोइंसिडेंट हो गया, थोड़ा दूर है लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा और एक बार अगर गड़बड़ हो जाए तो चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उससे अच्छा डिलीट करके फिर से लगा लीजिएगा। उससे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट लगा लिया यहाँ पे। अब फिर से न्यू कॉन्स्टेंट लेने के बाद इसका जो सेंटर प्लेन है इस सेंटर प्लेन को अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर प्लेन के साथ मैच करा दीजिए। देखिए यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सेंटर प्लेन मैच कराने में प्रॉब्लम हो रही है। ये अब ठीक हो गया, ठीक है, उसको हमने फ्लिप कर दिया तो एकदम सही जगह पे आ गया, फुली कॉन्स्टेंट हो गया, ओके कर दिया। ये देखिए अब हमारा एकदम सही से पार्ट बन गया है। और नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, इसको नीचे करके देखिए नेक्स्ट क्या लगाया है हमने, पिन पिन, ये इसमें जो पिन लगाई गई है ना, पिन को लगाया गया है। इसके बाद लगाया गया है पुसर, ये देखिए इसके बाद पुसर लगाया गया। तो सबसे पहले पिन को लगाते हैं चल के अपने ऑब्जेक्ट, फिर से यहाँ से इंसर्ट कराते हैं पार्ट को, पिन, केवल पिन लेना है हमको, पिन ले लिया और पिन यहाँ पे आएंगी। तो आप चाहे थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा इसको, या फिर रहने दीजिए, हाइड नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें इसका सेंटर मैच कराना है, ये मतलब इस प्लेन में बीचों बीच होगा, यानी इसके जो सेंटर में एक प्लेन है उस सेंटर वाले प्लेन में इसका सेंटर प्लेन मैच करा दे तो एकदम सटीक बीच में पहुंच जाएगा। तो हमें इस प्लेन को लेना है और इस वाले पार्ट का सेंटर प्लेन, याद रखें इस पार्ट का सेंटर प्लेन मैच कराना है, यानी ये वाला प्लेन आपस में कोइंसिडेंट करा दिया, तो कहीं ना कहीं कोइंसिडेंट हो गए होंगे वो लोग जाके, ठीक है, ये देखिए पहुंच गए। और बाकी टेंशन ना लीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद ये जब लगती है तो इसका जो ये प्लेन होगा, ये प्लेन टच करेगा इस सरफेस को ना, तो इसको ऐसे मैच करा दीजिए और कोइंसिडेंट कर दीजिए। तो देखिए ये पार्ट यहाँ पे आके लग गया है लेकिन अभी उल्टा है, ठीक है, उसका फेस चेंज है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसे फ्लिप कर दीजिए। इसमें इसके एक सरफेस में कुछ प्रॉब्लम हुई है लेने में। ओहो, देखिए हमने इसका ऊपर वाला सरफेस सेलेक्ट कर दिया है जबकि हमें सेलेक्ट करना था इसका ये वाला सरफेस। तो देखिए कौन सा सरफेस है, इस सरफेस को हम रिमूव करके ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे नीचे वाली। अब देखिए सही जगह आ गया, ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे मूव करके यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको और जूम करिए, थोड़ा सा जूम करके इसका जो ये सरफेस है और ये सरफेस है इन दोनों के बीच डिस्टेंस लगाइए, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। कितना डिस्टेंस रखना है, इसको ड्रैग करके पीछे कर दीजिए, इतनी डिस्टेंस रखनी है, डिस्टेंस दे दीजिए, यहाँ पे फुली कॉन्स्टेंट हो गया, ओके कर दीजिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी पार्ट को एकदम सेंटर पे कैसे लगाएंगे, और सेंटर पे लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके सेंटर में जो प्लेन है उस प्लेन के सेंटर में मैच करा दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेंटर में हो जाएगा।
ये पार्ट लग गया, फिर से इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पिन पुसर, ये देखिए पुसर आ गया। ओके करते हैं इसको। देखिए ये जो हमारा पुसर पार्ट है, इसको गौर से देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पुसर पार्ट ऐसे, ये जो एरिया है ना, स्लॉट है, इस पे स्क्रॉल करेगा, ये आगे पीछे को मूव करेगा। तो और ये रोटेट नहीं करेगा, बस केवल आगे पीछे मूव करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, पुसर को यहीं पे एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम पुसर का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको एकदम बीच में फिक्स करते हैं। छोटी वाली विंडो ओपन करते हैं और यहाँ से पार्ट प्लेन को हाईलाइट करते हैं, जो इसका सेंटर वाला प्लेन है और इस वाले पार्ट का जो सेंटर प्लेन है, ये इन दोनों को आपस में मैच कराते हैं ताकि वो एकदम सेंटर में पार्ट पहुँच जाए। नेक्स्ट काम करना है पोसर का जो, ये इतना आपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अगर कोई पार्ट किसी में रखा है तो उसका कौन कौन सा फेस आपस में मैच करेगा, ये बताने आपसे कोई नहीं आएगा। इस वाले पार्ट के साथ मैच करेगा। अब इसको फ्लिप करिए, ये देखिए पलट गया, इसको आगे लेके आइए। लेकिन ये दूर दूर कैसे है, ये देखिए एंगल ऑफसेट लग गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, हमें लगाना था कोइंसिडेंट और लग गया एंगल ऑफसेट, तो इसको कोइंसिडेंट लेते हैं। तो जैसे ही कोइंसिडेंट लेंगे, ये देखिए वहाँ पे आ जाएगा आपका पार्ट, ठीक है, आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा और आगे रखना है, या फिर हम चाहते हैं ये जो पुसर का जो ये वाला फेस है ना, न्यू, या फिर न्यू लीजिए और पुसर कंपोनेंट, पुसर का ये जो पार्ट फेस है, इस फेस को हम अपने जो पिन है, पिन के फेस से मैच कराते हैं, क्योंकि ये पिन को ही तो पुश करता है। इनको मैच कराया और आपस में कोइंसिडेंट कर दिया, कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है दोनों। देखिए इसके हिसाब से ये पार्ट केवल यहीं तक आ सकता है ना। तो इसको कोइंसिडेंट ना करा के इतनी दूर पे डिस्टेंस कर दीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस लिख दिया इतनी है। यहाँ से इसको पकड़ के नीचे पीछे ले जाइए, ये इतनी डिस्टेंस, ओके कर दीजिए। तो ये पार्ट भी लग गया। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा पिन, ये जो पिन लगी है, इस पिन को लगाना है। इसके बाद इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी हुई है, उस स्प्रिंग को लगाना है। तो सबसे पहले हम पिन को लगाते हैं, फिर से पिन पार्ट, पिन जॉइंट, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसको लगाना है। अब देखिए पिन में क्या होता है, सर्कुलर है तो इसकी एक एक्सिस होगी। तो सबसे पहले इसके एक्सिस को मैच कराइए और बेस वाले ऑब्जेक्ट के एक्सिस के साथ मैच कराइएगा। ये जो बेस ऑब्जेक्ट है, इसे रोटेट कराइए और इसके बेस वाले के साथ। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट लग गया है ना, तो ये गलती ना हो, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। कोइंसिडेंट लीजिए, जी हाँ, कोइंसिडेंट की जगह आप पिन ले लीजिए, क्योंकि उनके बीच में हमें रोटेशन भी करानी है। तो इसकी एक्सिस और यहाँ पे अभी एक्सिस विजुअलाइज नहीं हो रही, यानी एक्सिस यहाँ से हमने ऑन नहीं किया, तो इसीलिए एक्सिस नहीं दिख रही थी। असेंबली कंपोनेंट की एक्सिस
और हमारे कंपोनेंट की एक्सिस, इन दोनों को मैच कराइए आपस में। मैच कराने के बाद यहाँ से ट्रांसलेशन, जो इसका सेंटर वाला फेस है ये देखिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट डिज़ाइनिंग की गई है, क्योंकि हर एक पार्ट को सेंटर वाले पार्ट से दोनों तरफ सिमेट्रिकल रखा गया है, ताकि उसके सेंटर पार्ट को आसानी से मैच कराया जा सके। जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उस पार्ट के साथ इसे मैच कराना है। देखिए हमने यहाँ पे एक्सिस मैच करा ली, ट्रांसलेशन की कनेक्शन डेफिनेशन इज अनकम्प्लीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका सेंटर वाला प्लेन ना लेके साइड वाला प्लेन लेंगे, ठीक है, ये वाला प्लेन लेंगे। इस प्लेन को ऐसे सेलेक्ट किया और असेंबली में उसके सिमिलर किसी भी प्लेन को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, दिखा रहा है कनेक्शन इनकम्प्लीटेड। इसका मतलब ये है कि ये जो पिन की हम एक्सिस मैच करा रहे हैं ना, ये किसी गलत पार्ट के साथ एक्सिस मैच करा दे रहे हैं, तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव पिन कनेक्शन को हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे एक किनारे लेके आते हैं। सबसे पहले इसके सेंटर पार्ट को फिर से हम अलग से यूजर डिफाइंड कर देते हैं और ऑटोमेटिक मैच कराते हैं इसको अपने बेस पार्ट के सेंटर प्लेन के साथ। मैच कराते हैं इसको, तो ये सेंटर में आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। नॉर्मल की जगह कोइंसिडेंट रखते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। अब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के साथ इसका सेंटर मैच करा देते हैं। ये इसमें कॉन्स्टेंट इनवैलिड दिखा रहा है, यानी जो हमारा ये वाला फेस है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। इसको डिलीट, टेंजेंट की जगह कोइंसिडेंट, ये अब सही है, ठीक है, और ओके कर दीजिए इसको। देखिए अब एक्चुअली में जब आपका असेंबली धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लेन और ये सारी चीज़ें इतना कंजस्टेड हो जाएंगी कि आपको समझने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, बाकी पार्ट को धीरे धीरे हाइड कर दीजिए, जिस प्रोडक्ट से, जिस पार्ट से आपको मतलब हो केवल उसे ही विजिबल करिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो कई बार आप असेंबली अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट फाइनल पार्ट हमारा है स्प्रिंग थी, तो स्प्रिंग कहाँ पे है, ये है स्प्रिंग को लेते हैं। तो स्प्रिंग में आपको सबसे पहले काम करना होगा, इसका जो एक प्लेन है, इस प्लेन को इस प्लेन के साथ क्या करना होगा, नॉर्मल नहीं करना, हमें यहाँ पे डिस्टेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस बनाए रखें ताकि इन दोनों के बीच। देखिए पीछे आ गई है स्प्रिंग, इसको लेके आते हैं यहाँ पे और यहाँ से साइड व्यू करते हैं, लेफ्ट फ्रंट व्यू। ठीक है, अब इसका जो दूसरा प्लेन है, देखिए समझने में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें यह नहीं समझ में आ रहा कि इसके दो दोनों जो प्लेन है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ से इसका हम फ्रंट व्यू करते हैं, फ्रंट लेफ्ट व्यू, और इसे जूम करिए, यहाँ से इसको ऐसे रखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए हमने इस प्लेन को इसके साथ असेंबल कर दिया है, तो फिर न्यू कॉन्स्टेंट लेते हैं। अब इसका दूसरा बगल वाला फेस, इसके जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा हमारा उसको सेलेक्ट करना है, इस प्लेन को, और इस परपेंडिकुलर प्लेन को लेके अपने इस
प्लेन के सेंटर प्लेन के साथ मैच कराना है ताकि उसके सेंटर में आ जाए। देखिए सेंटर में मैच कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एकदम सही है ये असेंबली, ठीक है। हाँ ठीक है, और इसे ओके कर दीजिए। तो कुछ इस हिसाब से आपकी असेंबली कंप्लीट हो गई और सारे पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको हाइड करके इस कंपोनेंट को। देखिए अब ये कोई बता रहा है कि मैकेनिज्म सही नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है। तो कंटिन्यू करते हैं, हम ये पता कैसे लेगा गड़बड़ी कहाँ हुई है। ये जो इंसर्ट है इस पे एक कॉलम ऊपर लेके चाहिए, और ये देखिए अभी भी गड़बड़ी है। इसको ये, अरे इसको क्लोज करिए। यहाँ तक मैकेनिज्म सही था, यानी जो हमने ये पिन जॉइंट लगाया है, इस पिन जॉइंट ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा कर दी है। तो इस पिन जॉइंट को ठीक करते हैं चल के। तो ऐसे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे गड़बड़ी की है ना। देखिए एक चीज़ और पता चल गई, तो अगर हम एक स्टेप में सब कंप्लीट करते थे, अगर ये गड़बड़ी ना आती तो आपको ना पता चलता कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी आएगी तो। अब इसके कॉन्स्टेंट डिलीट कर दीजिए, इसमें पिन कॉन्स्टेंट ही लगाना पड़ेगा। अब देखिए पिन लगाने के लिए सबसे पहले जो बाकी हैं उनको हाइड करना पड़ेगा। इसको हाइड कर दीजिए, इसको हाइट कर दीजिए, हाइट। ठीक है, अब सही है। इतने में हमें दिख जाएगा जो हमें टारगेट है वो सही से। और फिर सब कुछ ऑन करिए। अब पिन में कॉन्स्टेंट लीजिए, यहाँ से पिन कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा दूर लेके जाइए ताकि इसकी एक्सिस और ये एक्सिस आपस को आपको एकदम अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो सके। 3D कंपोनेंट की 3D एक्सिस और हमारे असेंबली की एक्सिस मैच कराइए। ये मैच हो गई, इसके बाद ट्रांसलेशन मैच कराइए इस पार्ट को। ने ऑब्जेक्ट के एक प्लेन के साथ मैच कराना है, इस प्लेन के साथ मैच। अब देखिए इस प्लेन के साथ जैसे ही मैच कराया है इसमें प्रॉब्लम दिखा रहा है, इस प्लेन के साथ मैच कराने में भी प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। तो अब देखिए हम दूसरा प्लेन इसका मैच कराएंगे, ठीक है। इसका जो सेंटर वाला प्लेन है इसको मैच कराते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसका सेंटर प्लेन को अपने असेंबली के सेंटर प्लेन के साथ मैच करा देते हैं। ये रहा इसका सेंटर प्लेन। जैसे ही सेंटर प्लेन मैच कराया सब कुछ ओके हो गया, ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीटेड, ओके। अब इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा और बाकी चीज़ों को अनहाइड कर देते हैं और बाकी बची चीज़ों को हम मैकेनिज्म चलाते हैं। देखिए अब हमारी मैकेनिज्म कंप्लीट है। अब ये जब मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद इसको रेंडर कैसे करेंगे, ठीक है। रेंडर करने के लिए आपके पास की शॉर्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे इस पार्ट को क्लोज करते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे की शॉर्ट को, इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करते हैं। तो जैसे रेंडर करेंगे वो की शॉर्ट में पहुंच जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए की शॉर्ट में ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, इसको कैंसिल करिए, डिस्कर्ड। ये देखिए पार्ट आ चुका है, और यहाँ से हम इसमें लगा लेते हैं मटेरियल। और यहाँ से मेटल मटेरियल चूज करके ये हाँ ये मटेरियल ज़्यादा चमकीला है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब देखिए ये दोनों फेस ज़्यादा वाइड लग रहे हैं, तो इनको, इनके गैप को कम करिए थोड़ा सा।
अब ऐसा करने के बाद फिर से इसको अपडेट कर दीजिए, अपडेट कर देंगे तो फिर से अपडेट हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखिए फाइनल आपका ब्यूटीफुल पार्ट मिल जाएगा यहाँ पे, और इसे रेंडर कर दीजिए। जैसे ही रेंडर करेंगे थोड़ी देर रुकिए, आपका एकदम ज़बरदस्त पार्ट प्रिंट करने लायक तैयार हो जाएगा। और इसे शेयर करिए और बताइए दोस्तों को कि ये आपने डिज़ाइन किया। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इस वीडियो में हमने काज खाया है ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।